Hello guys, and welcome back to another video. Yes, a lot of you must be thinking ki are thumbnail to yon ka tha video icon ki mai kyun ban rahi hai. So guys, likewise agar aapne meri isse pehle video dekhi hai to I have dressed in that I have sold that car, and after that I purchased this is currently I'm driving the i20 aur is gaadi ko bhi mere ko liye hue अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली एक साल हो गया है, एक साल दो महीने अब हो चुके हैं. सो गाइस अपेरेंटली द फोटो विच यू हैव सीन ऑन माय थंबनेल इज एक्चुअली फ्रॉम माय प्रीवियस कार, एंड वो जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके क्लिप्स मैंने इस वीडियो के साथ अटैच किए हुए हैं. एक्चुअली वो जो सिचुएशन हुई थी वो 2.5 ईयर्स बैक आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मसूरी विद माई फैमिली, एंड उस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरे घर से डिस्टेंस रह गया होगा लाइक 15 मिनट्स हार्डली. तो जीरकपुर वीआईपी रोड है, ये वीआईपी रोड नहीं है सॉरी, जीरकपुर का जो मैकडॉनल्ड्स आता है उससे हम लेफ्ट एयरपोर्ट रोड को जाते हैं, उस सड़क पे हादसा हुआ था गाइस. खड्डे बहुत बड़े थे और मतलब जजमेंट ही नहीं हुई कि मतलब जैसे अगर मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा आया एकदम से, जिसको ताकि आगे ऐसे खड्डे ना आए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने गाड़ी लेफ्ट ली, और लेफ्ट में फिर एक बड़ा खड्डा आया, उसके बाद उससे थोड़ी और लेफ्ट ली, और एक मतलब ऐसे एक रेंज ऑफ सीरीज में ऐसे गाड़ी गई है और ऐसे खड्डों में बचती गई है. और खड्डे गाइस आई टेल यू लाइक दे वर लाइक प्रॉपर लाइक मीटियोर क्रेटर्स, लाइक उसका मिनी वर्जन कह लो, बट इतने मतलब काफ़ी दे वो काफ़ी लाइक डीप, दे हैड लॉट ऑफ डेप्थ इन देम, जिसकी वजह से उस टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं बिकॉज गाड़ी मूविंग थी राइट. तो उसके आगे एक सिग्नल आता है एयरपोर्ट रोड का अपना मेजर जो माली और खरड वाली सड़क को कनेक्ट करता है. तो वहाँ पे गाइस मैंने गाड़ी रोकी रेड लाइट पे ऑब्वियसली. उसके बाद मैंने जैसी गाड़ी चलाई तो उसका स्टेयरिंग पूरा लेफ्ट को हो गया अपने आप ही, और मेरा काफ़ी मतलब जोर लग रहा था उस गाड़ी को सीधा चलाने में. एंड अपेरेंटली मैंने फेल्ड लाइक कि भैया अब कुछ मेजर हो गया, क्योंकि काफ़ी फोर्स मेरे को लगाना पड़ रहा है, तो मैंने गाड़ी साइड पर ले जाके रुकी है. और उसके बाद मतलब अब जो हुआ है वो आप आगे वाली वीडियोस में देखो. गाइस राइट नाउ आई एम एट द लोकेशन और मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसे खड़ी है. देख लो आप, गाड़ी एक ईंट पे खड़ी की है मैंने ऐसे. पहली बार अपनी कार को मैं ऐसे देख रहा हूँ, आई एम रियली फीलिंग बैड टुडे. गाइस इंपैक्ट इतना ज़्यादा था, तो जो ये राइट साइड का टायर है ये देख लो, ये भी फटने वाला ही है ऑलमोस्ट. तो बस सिर्फ एक टायर बचा हमारा जो कि ये है, ये भी खोलने में पता लगेगा वहाँ जाके कि क्या सीन इसका है क्या नहीं. गाइस अभी मेरी गाड़ी की एक स्टपनी और जहाँ से अलॉय डलवाने वहाँ से एक स्टील रिम लेके आया हूँ, ताकि गाड़ी को हम लेके जाएं शॉप तक, फिर आपको दिखाता हूँ बाकी मैं. तो गाइस ये है मेरा अलॉय, और इसकी आप हालत देखो कि यहाँ से टूट चुका है, डैमेज टू द कोर. और ये रिपेयर के लिए मुझे बोल रहे थे, पर आई डोंट बिलीव इन दिस. सो ये वाला जो मेरा व्हील है ये भी बेंड हुआ है. सो या गाइस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसमें गाड़ी की स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, इट वाज लाइक 80 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मल मैं स्पीड लिमिट्स फॉलो कर रहा था. उसके अलावा भी लाइक पहले तो थैंक गॉड कि किसी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 5-6 लोग थे हम गाड़ी में और किसी को कुछ हुआ नहीं, टायर नहीं फटा चलते चलते, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती थी. बट स्टिल आई वुड से कि अगर यहाँ पे मेरे पास स्टील रिम्स होते तो मेरा थोड़ा जो खर्चा है वो कम हो जाता, बिकॉज एलॉयज तो टूट ही गए. तो मेरे को ऐसे टाइम में गाइस आपने क्या करना है कि अगर कोई आपको कहता है, मुझे भी शॉपकीपर ने कहा था कि जो आपके एलॉयज है, क्योंकि ये सेम डिज़ाइन मुझे मिल नहीं रहा था, आई लव दीज व्हील्स, ये सेम डिज़ाइन मुझे मिला नहीं. बट अपेरेंटली अब मैंने पहले अलॉयज डलवाए थे तो मैं वापस तो अब स्टील व्हील्स पे जा नहीं सकता था राइट, क्योंकि स्पेसर्स भी थे गाड़ी में, गाड़ी ऊंची भी हो गई थी, तो इट वोंट हैव मेड सेंस. सो मैंने न्यू अलॉयज डलवाए थे जिसकी फोटो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी. सो दीज वर माई न्यू टायर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मेरे को जो एडवाइस किया था वहाँ पे जहाँ से मैंने व्हील्स इंस्टॉल करवाए, वो मुझे कह रहे थे कि हम आपके अलॉय ठीक कर देंगे, इसको हम वेल्ड कर देंगे. वो कभी भी मत कराना गाइज, वो यू नो वो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसके बाद आपकी गाड़ी बबलिंग करने लग जाती है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फिनोमेनन है. लाइक नोबडी शुड डू दैट. जितने भी जुगाड़ है भैया, देखो मेन जो गाड़ी है वो टायरों पे खड़ी है, ठीक
ठीक है, तो इन चीजों पे लेके भले आप एलॉय मत लगाओ, अगर आपका बजट नहीं है मत लगाओ, नॉर्मल व्हील्स रखो, बट ये जुगाड़ टायर्स के साथ कभी मत करना, और मैंने भी नहीं किया। आई गॉट माई व्हील्स रिप्लेस्ड एंड उस टाइम आई एंडेड अप पेइंग 26,000 अगेन फॉर द न्यू एलॉयज एंड द व्हील्स, चारों व्हील्स नए पड़े एंड या गाइस कंडीशन तो आपने वीडियो में देख ही ली है। सो या अगर कोई मुझसे पूछता है कि आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स सेफ होते हैं कि नहीं होते हैं, गाइस हर एक चीज की एक ना कैपेसिटी होती है टू टेक अ अमाउंट ऑफ क्रैश और टेक अ अमाउंट ऑफ लोड। सो अगर हम उसको सरपास कर जाएंगे तो आप मतलब अच्छे से अच्छा भी लगवा लो, फिर उसको कुछ हो नहीं सकता, राइट? तो स्टिल आई वुड सजेस्ट कि यस यू कैन गो फॉर व्हील्स, आप एलॉय व्हील्स लगवाओ, बिल्कुल लगवाओ, बट हाँ एक अच्छे ब्रांड से लगवाओ जिससे एटलीस्ट आपको एक यू नो वारंटी या गारंटी कुछ मिलती है कि लाइक यू नो दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू गुड सर्विस। सो या गाइस दैट्स ऑल एंड बहुत ही जल्दी अभी मेरी इसकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, तो बहुत ही जल्दी एक दो दिन में मैं इसको भी सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा और इसका मैं कैच बताऊंगा कि इसकी सर्विस मैं कितने टाइम बाद करा रहा हूँ। एंड वही है गाइस, इसकी भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका क्या खर्चा पड़ रहा है मेरे को वो सब मैं मतलब जो भी एक कॉमन मैन के डाउट्स हो सकते हैं कि ईऑन से i20 का शिफ्ट कैसा था, फाइनेंशियली कैसा डिसीजन था एंड हाउ गुड इट इज टू ड्राइव, सो ये सारे क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में एड्रेस करूंगा। सो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो डू गिव इट अ लाइक एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, पीस आउट।